ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा पर्पल एंड पिंक शेड आपको दिखाई देगा बादल में, विच लुक्स रियली डोप। अस्सलाम वालेकुम एंड हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, माय नेम इज आजम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आप सभी लोगों एक न्यू व्लॉग में खुशामदीद। सो मैं पूरी रात जगा हूं बिकॉज़ आई वाज वाचिंग द रिलीज अर्तुगरुल एंड एपिसोड्स देखते-देखते मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सुबह के 4 बज गए। सो 2 घंटे बाकी थे तो मैंने सोचा कि फजर की नमाज पढ़ के सो जाता हूं मैं। तो अभी जस्ट मैं फजर की नमाज पढ़ा हूं। बाहर जो ऑलमोस्ट सनराइज हो चुका है। ऐसे टाइम पे मुंबई में संडे में हम लोग सुबह सुबह जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। सो वो लिटरली मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं। ऑल्सो मैं iPhone 13 Pro एंड iPhone 13 Pro Max के स्पेसिफिकेशन भी देख रहा था। इस बार के जो आईफोन है लिटरली काफी क्रेजी है, इसमें काफी सारे न्यू फीचर्स भी है एंड जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा हुआ है सिनेमैटिक मोड। अगर आपको नहीं पता सिनेमैटिक मोड तो यू गाइस कैन सी मेरे बैकग्राउंड में ब्लर आपको दिख रहा होगा। आईफोन में जस्ट ये ऐड किया गया है एज अ नेम ऑफ सिनेमैटिक मोड एंड मेरा जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ 22। जोक्स अपार्ट, जो एंड्रॉइड फोन है उसमें 2-3 साल पहले से ये बोके मोड आ चुका था। बोके मोड, ब्लर मोड, लाइव मोड जो आप कह सकते हो, बट आईफोन 13 में रिसेंटली आया है बैकग्राउंड ब्लर वाला। ट्रस्ट मी, जो आईफोन का सिनेमैटिक मोड है वो नेक्स्ट लेवल है। आप उसका फोकस चेंज भी कर सकते हो वीडियो शूट करने के बाद, बट उसमें एक ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि आप फ्रंट या बैक कैमरे से अगर आप आईफोन 13 में शूट करते हो सिनेमैटिक मोड में तो आपको सिर्फ ऑप्शन मिलेगा 180p 30fps में। क्या मुझे लगता है वो लोग अपडेट करके 4K में कर सकते हैं। अगर 4K में हुआ तो लिटरली नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ये जो मेरा स्मार्टफोन है उसमें भी मैं 4K शूट कर सकता हूँ बैकग्राउंड ब्लर में, बट मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ 180p फुल HD। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक अपडेट लगा आईफोन में जो कि एक नेक्स्ट लेवल है। सो एनीवेज अभी यू गाइस कैन सी उजाला हो चुका है अच्छा खासा एंड अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं सोया फिर मुझे दोपहर में नींद आने लगेगी क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सोने वाला। बेटर दैट मैं अभी थोड़ी देर सो लेता हूँ, जितनी नींद मिली उतनी अच्छी है। बाकी चले गए बाजार एंड आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। एक्सट्रीमली अननोइंग शिफ्ट लेटर, यहां पे फ्री फायर मैक्स आ चुका है, इसका सर्वर डाउन है। तो यहाँ पे सनसेट हो रहा है एंड वो जो अपना जार है टॉकटे वाला, अगर आपको याद होगा तो पूरा वो जार टूट गया था, ये वाला तो ये पूरा टूट गया था। तो यू गाइस कैन सी इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा उग चुका है एंड बाकी आप देख सकते हो स्काई कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है अभी। तो गाइस ये हाल होता है जब फ्री फायर का सर्वर डाउन होता है, सब प्लेयर्स बेचैन से वेट करते हैं कब चालू होगा। वेदर के रिलेटेड एक अपडेट है। तो न्यूज़ में बता रहा है कि अभी 5 दिन बारिश होने वाली है, बट जो मेरे मोबाइल में वेदर फोरकास्ट है इसमें बता रहा है कि बारिश आएगी बट इतनी तो बारिश नहीं आएगी, क्योंकि जो मेरा गांव एकदम कोने साइड पे, आई मीन दरिए के पास है, अरेबियन सी के पास है, तो जो मेरा गांव यहाँ पे बारिश के महीने में भी रेयरली बारिश आती है। सो मुझे लगता ही नहीं कि 5 दिन यहाँ पे इतना कुछ खास यहाँ पे कुछ होने वाला है बारिश वगैरह। महाराष्ट्र में एंड गुजरात में काफ़ी जगह पे बारिश की संभावनाएं हैं एंड जो मुंबई साइड पर वहाँ पे साइक्लोन का भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है, अभी क्या पता क्या होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे वेदर देखे तो लग रहा है बारिश आने वाली है, पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश आ रही थी ऑन एंड ऑफ। देखते 2021 भी जो है खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 महीने बाकी है, इसके बाद 2022 स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ 8 से 10 दिन बाकी है बारिश के, इसके बाद से बारिश खत्म, इसके बाद से विंटर चालू। विंटर में लिटरली यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आता है, यहाँ पे फैन है घर में, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी ठंड होती है सुबह में भी। डेफिनेटली आपके साथ में वो एक्सपीरियंस शेयर करना है। ब्लॉग को एंड करने से पहले आपको पता होगा दैट अभी GoPro Hero 10 जस्ट लॉन्च हुआ है आईफोन के पहले, आईफोन 13 के पहले, तो उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स है, काफ़ी क्रेजी फीचर्स है लाइक हाइपर स्मूथ 4.0। तो GoPro है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं जिसकी वजह से हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरे पास एक जुगाड़ है उसके लिए भी, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अच्छा खासा स्मार्टफोन है, तो आप अपने स्मार्टफोन को GoPro में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ एंड देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू गाइस कैन सी मेरे पीछे लाइटिंग हुई है, तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लास्टिक जिसमें आप अपना मोबाइल सेव कर सकते हो एंड काफ़ी सारे चीप प्लास्टिक भी आते हैं जो आपके फोन को प्रोटेक्ट करते हैं, आई मीन बारिश से। तो अभी मैंने कुछ 1 साल पहले मेरे मोबाइल के लिए प्लास्टिक लिया था ताकि मेरा फ़ोन भीगे ना, एंड ट्रस्ट मी ये जो मैंने प्लास्टिक लिया वो मुझे पड़ा 100 रुपीज का, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट इसमें एक प्लस पॉइंट है, इस कवर के साथ में काफ़ी बार जो है उसको बाहर बारिश में ले चुका हूँ, लिटरली बाल्टी में डुबा चुका हूँ, लिटरली मेरे फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। आपको दिखाता हूँ, ये है वो प्लास्टिक, यू गाइस कैन सी यहाँ पे एक लॉक है दोनों बाजू,
एंड ये पूरा प्लास्टिक का है, एंड यू कैन सी ये है प्लास्टिक। वो आउटडोर्स वगैरह में, बारिश वगैरह में शूट वूट करना है तो ये डेफिनेटली आपके काम आएगा। नॉट श्योर अगर आप इसको लेकर स्विमिंग पूल में जाते हो तो। मैंने इसको हार्ड कोर यूज किया हूँ एंड ये लिटरली काफी ज्यादा क्रेजी है, इसमें एक बूंद भी पानी का नहीं जाता है। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ अभी। सो ये जो लॉक है आपको कुछ इस तरीके से इसको ओपन करना है। तो इसे देख सकते हो ये पूरा खुल चुका है। तो मेरा फोन मेरे प्लास्टिक में डाल चुका हूँ एंड मुझे पता नहीं कि इसमें आवाज आई होगी या नहीं। अभी मैं आपको मेरा फोन लिटरली पानी में डूबा के एंड भिगा के बताता हूँ। अंदर एक बूंद भी पानी का गुस्सा नहीं है, विच इज वेरी ग्रेट। नाउ अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया हूँ, आप ध्यान रखना कि प्लीज आप ये जो केस ले रहे हो वाटर प्रूफ करने के लिए, तो ये आप महंगा वाला लेना, क्योंकि अगर सस्ता वाला लोगे तो आपको चांस है हमारे भीगने के। सस्ते वाले केस, सस्ते वाले प्लास्टिक में आप तक चेक नहीं किया तो मुझे पता नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। मेरे पास महंगा वाला है तो मैंने यूज किया उसको, डेफिनेटली यूज करता हूँ जब भी मैं बाहर कुछ शूट करता हूँ तो एकदम परफेक्टली वर्क करता है मेरे लिए। तो एक छोटा सा हैक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। एंड ये काफ़ी शॉर्ट व्लॉग है क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता एंड दोपहर को लिटरली यहाँ पर पूरा गर्मी थी एंड अभी बारिश हो रही है पीछे, तो ऐसा कुछ क्लाइमेट हो रहा है। टाइम टू एंड द व्लॉग, मुझे पता है व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको इस व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने मिले। होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, इफ यू गाइस डिड देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। टिल देन लव यू, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग and peace out. I'll see you guys in the next one and comment your thoughts below and please मेरे Instagram पे, Facebook और Twitter पे like follow कर लो, सबकी link description में मिल जाएगी। Thank you so much once again, I will see you guys in the next one, till then peace out.